अलवर नगर परिषद लंबे समय से भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम रहा है। ऐसे में अलवर नगर परिषद से जुड़ी एक टैंकर व्यवस्था फिर से विवादों में है, जिसका सबसे बड़ा सच आपको अलवर न्यूज दिखाने जा रहा है कि किस तरह ठेके पर दी गई टैंकर व्यवस्था न सिर्फ सरकारी ट्यूबवेल से ही पानी भरकर सरकारी राजस्व को चूना लगा रही है, बल्कि इस पूरी कार्यशैली के दौरान समस्त जानकारी होने के बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन इन हालातों पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरह अलवर नगर परिषद में डालने वाला टैंकर से पानी अलवर नगर परिषद से जुड़े पुराने सूचना केंद्र के ट्यूबवेल से ही भरा जा रहा है। किस चीज के लिए आप ये टैंकर भर रहे हैं ये बताएं? सर ये तो नगर परिषद में डाल गए थे। नगर परिषद में पानी डालेंगे, यहाँ से नगर परिषद की कितनी दूरी होगी लगभग? सर कितने बताएं सर? 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर से ज्यादा। 1 किलोमीटर? 2 किलोमीटर होगी। 2 किलोमीटर। और ये जो पानी भरा जा रहा है ये भी नगर परिषद की संपत्ति है, नगर परिषद की संपत्ति में आप डालेंगे? किसका ठेका है ये पानी का? मेरे को मालूम नहीं सर। आप क्या हैं, ड्राइवर हैं? नहीं ड्राइवर नहीं, मैं तो आज नया आया हूँ सर ट्रैक्टर को लेकर। अच्छा, नए नए आए हैं? मेरे को मालूम नहीं सर, एलसीडी के देखो। ठीक ठीक है। शुभ नाम अपना? शुभ नाम मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद जी, वैसे देखा जाए कि ये जो टैंकर डलते हैं वहाँ पर उसका ठेका छूटा हुआ है, उस ठेके के पैसे भी होते हैं, सरकार का पानी सरकार की जगह पर डलता है, सरकार की जगह से लिया जाता है और पैसे लिए जाते हैं पानी भरने के। तो आपको लगता है मेरे गेम है? मेरे को मार नहीं सर जी, पत्रकार जी माफ करो, मैं ताल नहीं ले आऊँ सर। ठीक भैया। वहीं दूसरी तरफ जब इन हालातों को लेकर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता से जवाब मांगा गया तो उनका कहना है कि यदि इस तरह की कई अनियमितता मिलती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी इसका कोई जवाब उनके पास भी नहीं था। मुझे इस जानकारी में, मुझे टैंकरों के बारे में चाहता जरूर है नगर परिषद से टैंकर टंकियों के डालने के लिए, लेकिन इसमें मुझे जानकारी नहीं है कि टैंकर कहाँ खड़ा होता है और कहाँ से भरा जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसके लिए जांच करूंगी, कमिश्नर साहब से बात करूंगी और जांच करवा के ऐसा हुआ तो आगे ऐसा नहीं होएगा, मैं ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ। और कोई भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे जो नगर परिषद के में गलत मैसेज जाए, उसके लिए हम जांच करवाएंगे। धन्यवाद। देखा आपने किस तरह नगर परिषद से जुड़े इस भ्रष्टाचार की खेल को लेकर पहले तो ठेकेदार से जुड़ा कर्मचारी खुद को अनैतिक ही बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब नगर परिषद से जुड़ी सभापति भी इस मामले में कार्रवाई किए जाने का टाटा या जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। लेकिन क्या इस तरह के खुले भ्रष्टाचार को जानबूझकर अनदेखा विभागीय स्तर पर नहीं किया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अलवर नगर परिषद हमेशा से ही भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहा है। ऐसे में यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए जो टैंकर व्यवस्था की गई वो भी काफी चौंकाने वाली है। एक तरफ टैंकर व्यवस्था से जुड़े हुए ट्यूबवेल का जो निर्धारण है वो नगर परिषद के ही पुराने सूचना केंद्र से जारी है। ऐसे में बिल उठाया जाना ठेकेदार का अपने आप में आश्चर्य व्यक्त करता है कि जब सरकार का पानी है तो फिर पैसे किस बात के, ये भी देखने का विषय रहेगा। सभापति कह रही है कि हम इस मामले की जाँच करवाएंगे और यदि कोई दोषी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी विभागीय स्तर पर की जाएगी। अलवर न्यूज़ के लिए मैं समर गुप्ता।